और दोस्तों कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बात की जाए। इस समय तो प्रीता के खिलाफ इस समय बहुत बड़ी साजिश हो रही है, क्योंकि जहां पर निधि लगातार करण को भड़का रही है, पहले तो ये भड़का रही है कि प्रीता को अब तुम कभी याद नहीं करोगे, और दूसरी चीज़ ये भी भड़का रही है कि तुम अपने घर वालों के ज़्यादा करीब मत जाओ, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हो किस तरीका से लगातार निधि अपना गेंदबाजी खेल रही है। लेकिन दोस्तों जल्दी ही करण और प्रीता के बेटे यानी कि जल्दी ही राजवीर की सगाई का अनाउंसमेंट होने जा रहा है पलकी के साथ में, और आप लोग जानते ही हैं कि जैसे ही प्रीता भी मंदिर आई है और इधर करण भी मंदिर अक्सर आना जाना अब स्टार्ट होने वाला है, जब मुलाकात होगी आखिरकार लूथरा परिवार के साथ में, जब लूथरा परिवार को पता चलेगा, एहसास भी होगा कि हाँ हमारी प्रीता तो आज भी जिंदा है। लेकिन दोस्तों जो प्रीता के साथ में गुजरा है वो चीज़ शायद ये लोग महसूस ना कर पाए, क्योंकि दोस्तों प्रीता ने हर हालात से सामना किया है, हर हालात से टक्कर ली है, और आने वाली कहानी में जो आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से प्रीता बोलती हुई नज़र आने वाली है, जो हो रहा है कहीं ना कहीं गलत भी हो रहा है, क्योंकि प्रीता का मानना ये है कि हमारे साथ भी बुरा हुआ है तो इन लोगों के साथ क्यों बुरा नहीं हो सकता। ये बात आप लोग जानते ही होंगे कि इस समय करण सिर्फ इस चीज़ से ही ज़्यादा अपसेट था कि मेरे साथ में ही भगवान ने ऐसा क्यों किया। हालांकि दोस्तों करण आज के समय में भगवान पर ज़्यादा भरोसा रखता नहीं है, और जब से वाकई में अर्जुन बदला है इस कहानी में और भी नया टोस्ट, नया दिलचस्प नज़ारा देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। साथ ही आप लोगों के बीच में मैं रोहित नागर हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइज कैसी लग रही है मेरी वीडियो, ये भी ज़रूर बताइए गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।